अब सही में नवंबर के मंथ में अपने आप को समराइज और रीऑर्गेनाइज करने का समय आ गया। आप कैसे तैयारी इस नवंबर के 30 डेज में करते हैं, आने वाले 90 डेज बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 से पहले आईसीएसई आईएससी के स्टूडेंट और सीबीएसई के लिए काफी इफेक्टिव होने वाले हैं, जिसका फाउंडेशन नवंबर में रखा जाएगा। क्योंकि यदि अपने आप को आप चेंज न करेंगे तो पढ़ाई का वही ढर्रा और वही रिजल्ट रहेंगे। आप कहेंगे कि मेरा बेहतर प्रिपरेशन नहीं हुआ, फिर एंजाइटी का लेवल, क्वेश्चन पेपर आसान नहीं, क्वेश्चन पेपर को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन पेपर न तो डिफिकल्ट होंगे न तो आसान होंगे, आपका प्रिपरेशन कितना बेस्ट होगा। इसकी शुरुआत नवंबर में इसलिए करनी है क्योंकि विंटर ऑन द वे है और यह आपको ओवरऑल चेंज कर देता है फिजिकली, मेंटली और एजुकेशनली। तो आपको अपने स्ट्रेटजी को ही बदलनी होगी। पॉइंट यह है कि जाड़ा आते ही आपको दिन छोटे और रात बड़े होने लगते हैं, पढ़ाई के पूरे शेड्यूल को बदलना होगा। दिन में आपके पढ़ने के टाइम कम मिलेंगे, दिसंबर आते आते प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे या नवंबर लास्ट से ही प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कई स्कूलों में होंगे, यानी फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। इसलिए भी स्टूडेंट को ठंड में जो न पढ़ने की बीमारी या रजाई और कंबल में घुस के रहने की आदत होती है, इसको गिव अप करनी होगी। मतलब आप जिस तरह से कन्वीनियंट पाते हैं पढ़ाई करें, लेकिन अपने आप को लेजी मत बनाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी मार्किंग पॉइंट होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और असेसमेंट के अलावे जितने भी वर्क होते हैं आप पर ओवरलोड के दौर से होंगे। तो यहाँ पर यदि आप अपने आप को समराइज करते हैं, मतलब जितने भी चैप्टर को पढ़ रखा हो, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, जो कुछ भी स्ट्रीम रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो उनको आप अब ओवरऑल असेस कीजिए कि कहाँ तक स्टैंड करते हैं, कहाँ तक पहुंच रखा है और क्या कुछ करने हैं, कितने चैप्टर आपने कर लिए और कितने चैप्टर बचे हुए हैं। फिर दूसरी बात आ जाती है कि किस तरह से उन बचे हुए चैप्टर को भी रिवाइज और अपडेट कर ले। तीसरी और सबसे बड़ी बात होती है कि आपने कितने प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आपके आएंगे, मैं कई बार दोहरा चुका हूं, उससे 20-30% मार्क्स ही बढ़ पाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो मैक्सिमम होते हैं। तो एक अच्छे सैंपल पेपर से आपकी तैयारी भी करनी होगी। मैं उस्वाल गुरुकुल की A61 सैंपल पेपर, जो लगभग आईसीएसई के सभी सब्जेक्ट को कवर करता है और लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, जिसको सीआईएससी ने कवर अप किया है, चेंज किया है और सभी सब्जेक्ट कवर्ड है, इसी तरह से आईएससी के कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी सैंपल पेपर अवेलेबल है, उनको आप इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आती है कि स्टूडेंट ने जो भी सैंपल पेपर से प्रैक्टिस किया है तो वे कितने दुरुस्त प्रैक्टिस करते हैं। दुरुस्त करने का मतलब है टाइम टेबल को क्या फॉलो करते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करने के साथ, तो कि आपको 2 hours और 30 minutes मिलेंगे, 15 minutes का एक्स्ट्रा स्टडी टाइम है, तो अभी आप एक्स्ट्रा स्टडी टाइम को भूल जाइए। 2 hours 30 minutes में आईसीएसई के स्टूडेंट और आईएससी के स्टूडेंट 3 hours में क्या कर पाते हैं अपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में, एक सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में उसी तरह से अपने आप को अप्रोच करेंगे। तो मैंने जो बताया है कि अपने आप को चेंज कीजिए, विंटर आ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज कीजिए, किसी तरह के लेजीनेस से बचने का कोशिश कीजिए, समराइज कीजिए कहाँ आप स्टैंड करते हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितने तैयारी बचे हैं, और जो भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं उनको कितनी जल्दी कवर अप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आप अपने आप को दुरुस्त करने के लिए नवंबर में चेंज करें डेली रूटीन। डे में आपको टाइम कम मिलेंगे, दिन बहुत छोटे हो गए हैं और रात लंबी होगी, तो पढ़ने के टाइम टेबल रात में बढ़ाने होंगे। अब मैं नहीं कहा कि आप नींद को ही त्याग दीजिए, लेकिन पढ़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान और बलिदान दोनों करने होंगे। जितनी बड़ी योगदान
देंगे, और जितने ज्यादा बलिदान आपको अपने समय के यानी सोने के जो भी टाइम टेबल है उसमें होंगे उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। पढ़ने के तरीके अप्रोचिंग वे बदलेंगे, मार्क्स आपके बेहतर होंगे। फोर्थ है कि आप अपने आप को सैंपल पेपर से तैयारी करके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लीजिए और सैंपल पेपर को विद इन टाइम फ्रेम बनाने का प्रयास कीजिए। यदि ये सुझाव पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।